हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एटी मोटिवेशनल। वर्तमान सब परीक्षा मानक सॉर्ट क्वेश्चन गोटे मुख्य पार्ट हो गला। प्रत्येक परीक्षा में सॉर्ट क्वेश्चन पढ़ुची, गोटे गोटे पाठ में शह शह सॉर्ट क्वेश्चन बाहर आते सब सॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मन रखा प्रायतः स्टूडेंट मान क्षेत्र में संभव हो पारना। आउ प्राय पाई यह काटिकर पाठ हो कहीं सब सॉर्ट क्वेश्चन गोटे गोटे पाठ में शह शह सॉर्ट क्वेश्चन एत सब सॉर्ट क्वेश्चन देखला मुंड बुले दिए कि पढ़ी पारना। तो फ्रेंड्स, से आज भिडियो में एमती किसी टीप्स देवी जहाँ को यूज करके तुम तो सॉर्ट क्वेश्चन को बहुत सहजे मन रखिपारे आउ बहुत शीघ्र मन रखिपारे। से भिडियो शेष पर्यटन देखूँ। आउ आम चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर दिंतु। एवं जीवा आम टीप्स नंबर वन बा प्रथम पार्ट। तो प्रथम पार्ट कहे तो सॉर्ट क्वेश्चन को सहजे मन रखा चाहूँगी प्रथम पाठ को बहुत भल भाव बुझे पड़ो। पाठ को न बुझे केवे सॉर्ट क्वेश्चन तुम मन रहा बुझा पड़ा। पाठ को प्रथम बहुत भल भाव बुझे पाठटे बुझी सारापर ताक डीपली पढ़ पाठर कोण अनुकोण जहाँ भी अच्छी डीपली पढ़ी मन रखा चेषा कर। यहाँ हूँ तुम सॉर्ट क्वेश्चन मन रखार प्रथम पार्ट बुझा पड़ा। प्रथम पाठ को बुझ बुझला डीपली पढ़ी मन रख। तापरे टिप्स नंबर टू एटा हो तुम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहे गोटे पाठर विभिन्न प्रकार टॉपिक दिया है मनकर तुमको बल और गति नियम कहला। बल और गति नियम विभिन्न प्रकार पार्ट अच्छी से न्यूटन को प्रथम लॉ, न्यूटन को थर्ड लॉ, न्यूटन को सेकेंड लॉ, बल क्या कहुए गति क्या कह सब अच्छे ना सेमती गोटे पाठ में विभिन्न प्रकार टॉपिक दिया है तुमने कौन कर ना टॉपिक वाइज सॉर्ट क्वेश्चन को निज खाता रे लिखिबो। बुझा गया प्रत्येक टॉपिक रे अलग अलग सॉर्ट क्वेश्चन को निज खाता रे लिखिबो। फॉर एग्जांपल मन कर तुम्हार गोटे टॉपिक हैला आलोक श्लेषण। तुमने कौन कर ना आलोक श्लेषण क्या कहुए केमी हुए सब पढ़ यही सब पढ़ सारापर ता रिलेटेड जहाँ जहाँ सॉर्ट क्वेश्चन तुम अच्छी तुम एमबीडी हो कि तुम सौरभ हो कि विभिन्न टेस्ट पेपर रु ता रिलेटेड जहाँ जहाँ सॉर्ट क्वेश्चन जाक खोजिक निज खाता लिखिब। बुझा पड़ा एमती कले कौन हम ना सॉर्ट क्वेश्चन जाक पढ़ाक तुमको भल लगे आउ सॉर्ट क्वेश्चन जाक सहजे मन रही। बुझा पड़ा तेरे टिप्स नंबर टू कौन ना टॉपिक वाइज सॉर्ट क्वेश्चन को निज खाता भाग भाग कर लिखिब। तापर आसला टिप्स नंबर थ्री। टिप्स नंबर थ्री हूँ तुम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहुई जे गोटे पाठर गोटे टॉपिक टी पढ़ी सारापर ता रिलेटेड जहाँ जहाँ सॉर्ट क्वेश्चन तुम लिखी ताकू पढ़ बुझा पड़ा। सेकेंड पार्ट तुम कौन कर ना प्रत्येक टॉपिक रो अलग अलग सॉर्ट क्वेश्चन लिखी थी। थर्ड पार्ट कौन कर ना गोटे पाठर गोटे टॉपिक टी पढ़ी सारापर ता रिलेटेड तुम जहाँ जहाँ सॉर्ट क्वेश्चन जाक लिखिक रखी आगर से जाकू पढ़ बुझा पड़ा। एमती पढ़ले तुम सॉर्ट क्वेश्चन जाक शीघ्र मन रोत सहजे मन र तुमको कष्ट करके घोषिया पड़े बहुत सहजे सिंपली मन रही। बुझा पड़ा फर एग्जांपल मनकर तुम आलोक श्लेषण विषय में पढ़ल तो आगर ता रिलेटेड जहाँ जहाँ सॉर्ट क्वेश्चन लिखी रखे से आलोक श्लेषण विषय में पढ़लापर से सॉर्ट क्वेश्चन जाक पढ़ीदेव। बुझा पड़ा। तापर आसा लास्ट पार्ट बा लास्ट टिप्स जोड़ा कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो टिप्स टी कौन ना परिश्रम। फ्रेंड्स, कष्ट आउ परिश्रम बिना किसी भी संभव नुहे। तुमको से ही तीन टा टिप्स करने को बहुत कष्ट लगे आउ बहुत परिश्रम हम किंतु हार ना कहीं सुना को चिकचिक करा को आगो निरे जाड़ा पड़ो। बुझा सुना जदि चिकचिक कर चाहूँगी तेरे कौन प्रथम निरे जलवा पड़ो निरे जल जाए सी कौन हम चिकचिक कर सेमती तम मान सब गोटे गोटे सुना जदि तम मान को आग को चिकचिक कर तेब एबू निहारे जलवा शिखिज कारण एबू निहारे जलिले तुम आग को सुना बोली चिकचिक कर। बुझा पड़ा। तो आज वीडियो को आम ये समाप्त करवा। वीडियो केमी लगे जदि भल लगे तो लाइक निहती करेंगे आउ वीडियो निज सांग पाखक सेयार करदे आउ आम चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक करदे। धन्यवाद।